हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय व कार्य। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप क्वेश्चन देखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर 60 दिन आएगा। कैसे आएगा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप भी इसी तरह सॉल्व करके बता सकते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी अकेला इसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला कितना दिन में इस काम को पूरा करेगा। जब बी अकेला इसको 20 दिन में कर रहा है तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए व बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी इसे कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बी अकेला इसको कितने दिन में कर रहा है, बी अकेला इसको कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 को काटेंगे तो 15 को 60 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 4 बन जाएगा। 15 चौ 60, 60 को 20 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 20 दिया 60। जब बी अकेला इस काम को 20 दिन में कर रहा है और ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा, तो इन दोनों को हम घटा देंगे और जितना भी आएगा उसे 60 को भाग कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इन दोनों को घटा देते हैं। तो इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 को 60 से हम भाग कर देंगे तो 60 बटे 1 से हम भाग करेंगे तो हमारा कितना दिन आ रहा है, 60 आ रहा है। हमारा 60 दिन आ रहा है। तो आप भी बता सकते हैं कि कितना आ सकता है। दोस्तों, आप भी इसी तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। तो हम क्वेश्चन देकर बता सकते हैं कि इसका आंसर 4 आएगा। कैसे आएगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो आप भी इसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसका आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम निकाल कर। चलिए देखते हैं, ए एक काम को 10 दिन में करता है, तो एक काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 12 दिन में करता है, लेकिन तीनों मिलाकर इस काम को कितना दिन में करेगा। तो इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। जब तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 60। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। चलिए 60 आ गया। 10 छक्का 60 प्लस 15 चौं 60, 12 पंचे 60। इन दोनों तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। 15 बटे 60 कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 15 कम 15 चम 60। तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तो तीनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड में क्या आएगा, सेकेंड वाला बनाते हैं। एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी उसको कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और सी उसको कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ए हमारे कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और बी 15 दिन में, और सी 12 दिन में। ये पहला मेथड था और ये सेकेंड मेथड है। चलिए तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो तीनों को एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। जब 60 को 10 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा। जब 60 को 15 से काटेंगे तो
तो 4 बार में जाएगा, जब 60 को 12 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना है, 15 आएगा। अब तीनों मिलकर काम कर रहे तो कितना दिन में करेगा, 15 को इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हम यहाँ से 15 से इसको, ये वाला को हम यहाँ से भाग कर देंगे तो कितना बार में जाएगा, 15 चौ 60, 4 बार में आंसर आ गया। कितना दिन में करेगा, 4 दिन में, तीनों मिलकर इसको 4 दिन में सॉल्व करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला इस काम को 18 दिन में करता है, बी इसे 15 दिन में करता है, तथा बी इसे 10 दिन में काम करके छोड़ दिया है। ए अकेला इस काम को 18 दिन में कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, लेकिन बी काम करके क्या किया है, 10 दिन काम करके छोड़ दिया है। तो ए अकेला कितना दिन में करेगा, जब बी काम करके छोड़ दिया है तो ए कितना दिन में करेगा, चलिए देखते हैं। ए कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, ए हमारा 18 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में, लेकिन बी काम करके छोड़ दिया है। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 को 18 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 18 पंचे 90, 5 बार में चला गया। 90 को 15 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 15 6 90। और बी वाला 10 दिन में काम करके छोड़ दिया तो 10 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 10 6 60 हो गया। इन दोनों को मतलब जो आया है उसको इससे घटा देंगे, किससे, एलसीएम से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 दिन। जब ए इसे कितना दिन में करेगा, जब ए इसे कितना दिन में करेगा, 5 वाले में 5 इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, तो 5 से 5 6 30 मतलब 6 दिन। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं, यदि 4 व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए 6 घंटे में कितना पेड़ काटेंगे। दोस्तों ये वाला पार्ट 3 में हम पढ़ चुके हैं, यह हमारा पार्ट 4 वीडियो है। दोस्तों हम पार्ट 3 में ये वाला पढ़े थे, M1D1H1W2 इक्वल टू हो जाएगा M2D2H2W1, ये हम पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं, ये वाला इसमें काम आएगा। चलिए देखते हैं M1 हमारा कितना है, M1 हमारा 20 है और M1D1H1W1, तो हमारा H कितना आ जाएगा, हावर, H मतलब हावर 4 घंटे, W मतलब कार्य, 30 पेड़ काटने का काम कर रहा है तो यहाँ 30 आ जाएगा। D1 कितना है हमारा, D1 हमें पता नहीं है। M2 हमारा कितना है, 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं और 4 व्यक्ति काम छोड़कर चला जाएगा। जब 20 व्यक्ति में 4 व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए तो कितना रह गए, 16, हमारा कितना है, 16 व्यक्ति, और 6 घंटे में कितने पेड़ काट सकते हैं और कितने पेड़ काटने हैं ये हमें ज्ञात करना है। 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 4 घंटे में W2 इक्वल टू 16 व्यक्ति 6 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ से काटेंगे 4 4 चौ 16, 4 से इसको 20 का काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 4 5 6 20, 5 को 6 से मतलब 30 को काटेंगे तो 5 6 30, तो W2 हमारा क्या आ जाएगा, मतलब 6 बार में गया, 6 6 36, ये इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 6 36।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितने पेड़ काटेंगे? 36 पेड़ काट सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या होगा, चलिए देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमारा 20 व्यक्ति 4 घंटे में x पेड़ काटेंगे, उसके बाद क्या है 20 व्यक्ति और 4 व्यक्ति काम, 20 व्यक्ति में 4 व्यक्ति काम छोड़कर चला गया है तो कितना बचा 16, और 6 घंटे में काट रहा है और 30 पेड़ काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 5 छक्का 30, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या होगा 6 छक्का 36, तो कितने पेड़ काटेंगे 36 पेड़ काटेंगे।